हेलो एंड नमस्कार। आप सब देख रहे हैं पोड केयर प्लस। आज बात करेंगे मदर्स डे पर। माँ, मम्मी, अम्मा, अम्मी, दिल, जान, जिंदगी, ये सब नाम उस एक स्पेशल लेडी के हैं जिसने आपको, मुझको और इस पूरी धरती को बनाया। कभी भी ये नहीं कहती मुझे छुट्टी दे दो, कभी ये नहीं कहती मुझे घुमाने ले चलो, कभी ये नहीं कहती मेरे को ये मैं बीमार हूं मेरा इलाज करा लो, कभी कुछ नहीं कहती। कई बारी हम खुद उनके बच्चे गुस्से में या किसी टेंशन की वजह से बहुत कुछ उनको बोल देते हैं, कह देते हैं, सोचते नहीं कि उनको हर्ट होगा, लेकिन सब कुछ भुलाकर छुपाकर आपको महसूस भी नहीं होने देती कि आपकी ऐसी बात उसको हर्ट हो गई है। फिर भी दिल से आशीर्वाद जब देती है तो यही कहती है, जा बेटे या जा बेटी, तेरे सारे दुख मेरे, मेरी सारी खुशियां तेरी। अगर मैं इस एपिसोड में उस एक स्पेशल लेडी के लिए, मेरी माँ के लिए, आपकी माँ के लिए, अगर मैं इस एपिसोड में अकेला बोलता रहूं तो मेरे पास शब्द खत्म नहीं होंगे, मेरे पास लाइंस खत्म नहीं होंगी। लेकिन आज हमने एक स्पेशल लेडी को बुलाया है जो कि एक पोइट है, राइटर है, टीचर है और सबसे बड़ी बात एक मदर है। आज के टाइम में जब सारी दुनिया इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है, इन्होंने अपने सारे कर्तव्य बड़े सिंप्लिसिटी से निभाए हैं। आज हमारे साथ हैं मंजू शर्मा मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम एक सिंपल सा क्वेश्चन करूंगा। दुनिया को 24 घंटे ही मिले हैं, आपको भी 24 घंटे मिले हैं, तो इन 24 घंटों में ये चार पांच कंडीशनें जो आपके साथ हैं, राइटर हो आप, पोइट हो, उससे बड़ी बात है टीचर हो और एक मदर, ये सारे कैरेक्टर इतनी सिंप्लिसिटी से कैसे आप कर लेते हो? आपके मैं इस प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मदर्स डे एक बार थोड़ी सी रोशनी डालने का प्रयत्न करूंगी। ये मदर्स डे जो है ये क्यों मनाया जाता है और कब मनाया गया, इस पर थोड़ा सा मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूंगी। मदर्स डे जो है वो हमारे अमेरिका में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में एक स्त्री जो एक माता थी, एक टीचर थी, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमिका ये थी कि युद्ध में जितने भी सैनिक मारे जा रहे थे या घायल हो रहे थे, उन दोनों तरफ के सैनिकों का उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया। तो उनके इस कार्य को देखते हुए तत्कालीन जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनकी इस क्षमता को, उस मातृत्व की शक्ति को पहचानते हुए एक विश्व मातृ दिवस को मनोहर करने का जो था एक फैसला लिया। और तब से केवल अमेरिका में नहीं पूरी विश्व में आज के दिन मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस जो है मनाया जाने लगा। लेकिन बात अगर हम करें विश्व मातृ दिवस की, तो हम ये भी कहेंगे कि ये विश्व की बात नहीं, हमारे भारत में तो मातृ दिवस जो है वो आज से 5,000 साल पहले मनाया जाता था। क्योंकि हम जब कहीं रामायण का पाठ पढ़ते हैं तो उसमें हम एक बहुत सुंदर सी पंक्ति पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातु पितु गुरु नवाहि माथा, कि अपने माता पिता को सुबह उठकर श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, तो वो हर दिन मातृ दिवस होता था। तो हमारे भारत में माता का आदर सम्मान, माँ को एक शक्ति के रूप में मानने की जो प्रथा है वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। अब मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ कि आपने मुझे पूछा है कि सबको 24 घंटे मिले हैं, तो आप उन 24 घंटों में अपने लिए कहाँ से वक्त निकालती हैं और एक माँ का जो चरित्र है उसको बखूबी कैसे निभाती हैं? तो देखिए, माँ का जो है चरित्र वो चरित्र नहीं है, माँ सर्वशक्तिमान है और इस ब्रह्मांड में जितना भी कुछ अस्तित्व है वो माँ की ही सतह पर, माँ के ही धरातल पर स्थापित किया गया है। उसको किसी चरित्र को निभाने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल और केवल माँ बनकर, शक्ति बनकर, प्रेरणा बनकर अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती है।
अपने बच्चों को वो कभी आंच नहीं आने देती। अगर बच्चे को थोड़ी सी कष्ट पीड़ा भी होती है तो माँ का जो हृदय है वो वेदना से भर उठता है। इसलिए माँ के पास अनन्य शक्ति है, माँ सर्वशक्तिमान है, माँ कोई चरित्र नहीं है जो उसे निभाया जाए। इसके बाद आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि आपने कहा है कि दुनिया को 24 घंटे मिले हैं, आप उन 24 घंटों में से अपने लिए कहाँ से वक्त निकालते हैं। तो देखिए, मैं अपनी माँ के दायित्व को निभाने के बाद मैंने पूरे दिन को एक दिनचर्या में बांटा हुआ है। अपने बच्चों के लिए भी वक्त रखा है, अपने कार्यालय में कार्य से पूर्ण करने के बाद मैं अपने बच्चों की देख रेख करने के बाद जब मेरे पास सभी जिम्मेदारियाँ निपटा लेती हूँ कर लेती हूँ तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक घंटा रखा है जिसमें मैं अपना ये कार्य करती हूँ, मैं और मेरी लेखनी होते हैं। तो आपने काफी ज्यादा स्टोरीज लिखी हैं, पोइम्स लिखी हैं। जी, कोई एक आधी हम सुन ले तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। आज तो माँ का दिन है, विश्व मातृ दिवस मनाया जा रहा है, तो मैं माँ पे ही एक कविता सुनाऊंगी आपको। हिंदी में सुनाऊंगी, मैं डोगरी में भी लिखती हूँ, तो पहले मैं हिंदी में सुनाऊंगी। तो उसकी पंक्तियां हैं कि ईश्वर को तो देखा नहीं मैंने, ईश्वर को तो देखा नहीं मैंने, जब आंख खोली होश आया, एक अद्भुत रूप को मैंने समीप पाया। ईश्वर को तो देखा नहीं मैंने कभी, जब आंख खोली होश आया, एक अद्भुत रूप को मैंने सामने पाया। कैसे कितनी भोली मासूम, कितनी भोली मासूम निरक्षरा, कैसे कब मनोवैज्ञानिक चिकित्सक बन गई। मन में उठने वाली तरंगों को जो सहजता से पढ़ गई, मन में उठने वाली तरंगों को जो सहजता से पढ़ गई, और अपने हर एक दुख दर्द को न जाने किस संदूक में बांध बंद कर दिया। अपने हर दुख दर्द को न जाने किस संदूक में बांध बंद कर दिया, और सदैव दूसरों को ही जिया, और सदैव दूसरों को ही जिया। त्याग परित्याग निस्वार्थ निशुल्क प्रेमदायिनी वो कोई और नहीं माँ है, वो कोई और नहीं माँ है, जो ईश्वर को भी धरती पर लाने के लिए सिद्ध भरदान है। जो ईश्वर को भी धरती पर लाने के लिए सिद्ध भरदान है। यूं तो हर रिश्ते की कीमत अदा होती है, यूं तो हर रिश्ते की कीमत अदा होती है, एक केवल माँ है जो अपने लिए जो स्वयं के लिए शून्य संजोती है, शून्य संजोती है, शून्य संजोती है। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन पोइम थी ये। सुनकर ऐसा लग रहा है कि मन गदगद हो जाता है ना, कोई चीज सुनकर ऐसा फील हो रहा है। सो जैसे कि आपने ये सुना होगा, बहुत सारी कुपुत्र होते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती जी। तो उन कुपुत्रों में बहुत सारे बच्चे इनोसेंट में भी अपनी माँ को कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हर्ट फीलिंग मतलब बातें बोल देते हैं जी। जो माता के दिल पर ठेस पहुंचा देती हैं जी। तो क्या उन बातों का रियलिटी में माता के दिल पर कभी कुछ ठेस पहुंचती है? देखिए, माता जो है, जब माँ शब्द जो है वो इतना अपने आप में व्यापक है कि अपने पुत्र या पुत्री के लिए उसके मन में उसकी कही हुई बातों के लिए ऐसा कोई भी भाव नहीं रहता कि मेरे बच्चे ने मुझे ऐसा कहा है। क्योंकि अगर उसके बच्चे को इतना मालूम है कि वो अपनी माँ को जो बुरा कह रहा है वो बुरा है, तो वो कभी नहीं कहेगा। क्योंकि माँ और बच्चे की बॉन्डेज इतनी होती है, 9 मंथ माँ अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती है और 3 साल अपने बाजुओं में, तो उन दोनों के बीच एक ऐसा संबंध, एक ऐसी कंडक्टिविटी, एक ऐसा व्यवहार हो जाता है कि माँ के अंदर बच्चे के प्रति ऐसी भावना कभी नहीं हो सकती कि वो बच्चे का बुरा कहा हुआ उस पे कभी बुरा माने उसको। अगर बच्चा बुरा कह भी देता है तो माँ में ईश्वर ने इतना धैर्य दिया है कि वो उस बुराई को खत्म करने के लिए
धैर्य धारण करती है, उसको रियलाइज भी कराती है कि जो आपसे गलती हुई है वो गलती है, लेकिन मारपीट कर नहीं, गुस्से से नहीं, वो कुछ उस तरह की शक्ति है उसके अंदर कि बच्चा उस गलती को मानता भी है, रियलाइज भी करता है, और माँ का जो दिल है वो कभी बद्दुआ नहीं देता बच्चे को कि इसने मुझे बुरा कहा है तो मैं इसके लिए बुरा सोचूं। ये एक तरह का ऐसा पवित्र संबंध है, ऐसा वात्सल्य है कि इसके लिए खुद ईश्वर भी की चाह होती है कि वो किसी माँ के गर्भ से शरीर धारण करे। यहाँ पर हमने देखे हैं श्री राम जो माता कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए, इवन कि दोबारा उन्होंने जन्म लिया कृष्ण के रूप में जी। अब तीसरी बार फिर जन्म लेना चाहते हैं वो कल्कि के रूप में जो कि एक फ्यूचर की बातें हैं जी। तो ईश्वर खुद चाहते हैं कि वो माँ का प्यार और स्नेह जो है वो पा सके जी। सो मैम, जैसे कि एक सवाल मेरे मन में आता है कि दुनिया अपने बच्चों से या दुनिया हर एक लड़के से या लड़की से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर बैठी हुई है। अभी जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं शर्मा जी के बेटे की तरह बन, उसने इतने नंबर ले लिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या एक माँ भी अपने बेटे से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि भाई तू ऐसा कर, वैसा कर, ये कर या वो कर? देखिए, माँ अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करती है, हर एक माँ दुनिया की यही चाहती है कि उसका बेटा या उसकी बेटी किसी अच्छे पद पर आसीन हो, किसी अच्छे पद पर नियुक्त हो। लेकिन जब बात आ जाती है बच्चे के इंटरेस्ट की, तो माँ, कोई भी माँ होगी, वो कभी भी अपने बच्चे पे उसका इंटरेस्ट नहीं थोपेगी। अगर हम बच्चे पर अपना इंटरेस्ट थोपेंगे, जो जबरदस्ती उसको इस तरह कहेंगे कि आपको ये नहीं ये करना है, तो उससे क्या होगा, उसकी जो मानसिक विकास है, उसकी जो इंटेलिजेंसी है, उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो वहीं पे क्या हो जाती है, हैम्पर हो जाती है। इस तरह बच्चा अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस के हासिल कर सकता है, सक्सेस हासिल कर सकता है, सफलता हासिल कर सकता है, उतना कोई थोपे हुए या जबरन उस पर लगाए गए इंटरेस्ट को वो जो है वो सक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए हर माँ को अपने बच्चे को उसके इंटरेस्ट, उसकी कैपेबिलिटी, उसके कैलिवर के अकॉर्डिंग ही गाइड करना चाहिए। वो जो करना चाहता है उसको करने दें, उसको सपोर्ट करें, वो एक ना एक दिन आपको सक्सेस हासिल करके जरूर बताएगा। यानी कि एक माँ को बैक बननी चाहिए अपने बैक बच्चे। बननी चाहिए, बैक बोन बननी चाहिए। तो एक ना हम बड़ी बारी देखते हैं कि हमारे आसपास और हमारे बीच में ही बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड भी रहते हैं जी। तो हम तो उन्हें जब देखते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है, कई बच्चे होते हैं मेंटल स्टेज से, कई होते हैं फिजिकली वर्क नहीं कर पाते जी, जी। तो हम लोग जब उन्हें देखते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है यार ये क्या है, ये तो है ना जी। लेकिन एक मदर जी जिसने उसको जन्म दिया है जी, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती जी। जी ऐसी स्टोरीज मैंने कई बार देखी है, आपके साथ ऐसा कुछ आपने देखा है? हाल के ही दिनों में जब बच्चों के एनुअल एग्जाम चल रहे थे, तो मैं अपने स्टाफ रूम में बैठी थी, तो मुझे ऑफिस से मैसेज आता है कि मैम आपको ड्यूटी देनी है। जैसे ही मैं रूम में जाती हूँ तो एक बच्चा बैठा है जो कि एक व्हीलचेयर पे है, और वो क्या करने आया है, परीक्षा देने आया है। तो उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि इसकी माँ ने देखो इसके लिए कितने कहाँ तक कोशिश की होगी, क्योंकि जो बच्चा हैंडीकैप है, जो लिख नहीं सकता, जो दिमागी तौर से भी असंतुलित है, जो बैठ नहीं सकता, तो उसको आठवीं कक्षा के जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, वो दिलाना कोई आसान काम नहीं है। उसकी माँ ने कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँच की होगी, ऑफिसर्स के पास, डाइट के पास कहाँ तक अप्रोच नहीं किया होगा कि मेरे बच्चे को आठवीं कक्षा की परीक्षाएं दिलानी है। तो बच्चा वो परीक्षा में बैठा, उसने उसके साथ एक राइटर मंगवाया गया था जो कि डाइट वालों का ही था, उन्होंने बैठ के उस वो बच्चा बोलता गया और उसने
सारा पेपर लिखवाया, उसने बच्चे ने पेपर दिया और जब रिजल्ट्स निकले तो वो बच्चा 8th में पास था। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी सब कुछ कर सकते हैं, और स्पेशल बच्चों की माएँ जो होती हैं वो कभी भेदभाव नहीं करती हैं कि मेरा बच्चा हैंडीकैप है, जब मेरा बच्चा स्पेशल है तो मैं इसके लिए क्यों पैसा बर्बाद करूं, मैं इसके लिए क्यों एनर्जी बर्बाद करूं, जब मैं इसकी केयर क्यों करूं, कल ये मुझे क्या देने वाला है, मैं इससे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकती हूं। माँ तो माँ होती है, कहते हैं ना माँ की ममता और पिता की क्षमता का कोई सीमा नहीं होती है। कोई 3 से 4 मंथ पहले एक मेरे सामने भी एक घटना हुई थी जी। एक बच्ची थी कोई 8 साल की जी, उसकी डेथ हुई थी 3 से 4 मंथ पहले जी। आपको मैं उस बच्ची के बारे में बताऊं तो जन्म से ही उसकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो काम नहीं करती थी, एंड रीढ़ की हड्डी के काम ना करने से उसका जो ब्रेन था वो भी डैमेज हो गया था, मतलब ना ही वो बोल पाती है ना ही वो कोई एक्टिविटी कर पाती जी। जब जन्म हुआ था डॉक्टर्स ने कहा ये प्रॉब्लम देगी जी। तो इसको आप अभी ही कर दीजिए, अभी आपको इतना दुख नहीं होगा। सो जो वो मेरे को स्टोरी सुनाते हैं जी। और उनके फादर जी। अपनी वाइफ के लिए जी। कि मेरी वाइफ ने डॉक्टर को कहा था जी। कि खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ लगाए, जैसी है मेरी बच्ची। 8 साल उस माँ ने, चलिए 1-2 साल जो होता है ना कि इतनी तकलीफ नहीं होती, आम बच्चे की भी करनी पड़ती है, 8 साल उस माँ ने उस बच्ची को बेड पर ही, उसने पॉटी भी करनी है, उसने सुसु भी करनी है, उसने उल्टी भी करनी है, उसने कभी हिलना नहीं, कभी बोलना नहीं, सिर्फ ए करके वो मुंह से आवाज निकालने की कोशिश करती थी, कब उसने खाना खाना है, कब उसको फ्लैश जाना है, उस माँ को सब पता हो गया था। बिस्तर को उसने ऐसे सजा के रखना, उसको पता है कि इसने शुरू पॉटी करनी है तो उसके नीचे पॉलीथीन, उसके नीचे बिस्तर, मतलब बड़े तरीके से उन्होंने संजोया हुआ था। और जब उस बच्ची की डेथ हुई आज से 3-4 मंथ पहले जी। सारे परिवार में जो सबसे ज्यादा रो रही थी वो उसकी मदर थी। हम तो कहते हैं ना कि यार बोझ हल्का हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन वो माँ इतना तड़प तड़प के रो रही थी। उनका एक बड़ा बेटा भी है, मैं समझता हूँ अगर उनके बेटे की डेथ होती शायद वो इतना ना रोती, लेकिन जो जितना उस बच्ची के लिए वो रो रही थी मैं कभी रोया नहीं, लेकिन मैंने जब उनको देखा तो मेरी आंख से पानी आया कि यार कितना ज्यादा दर्द इनको हो रहा है इस टाइम। तो माँ का तो अपने बच्चे के लिए ऐसा लगाव होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती। एक सवाल मेरे मन में और आता है जी। कि आप टीचर हैं जी। तो कई बार ऐसा हमें देखने को मिला है जब हम पढ़ते थे तो हमारी टीचर क्या करती थी, हमें अगर कोई प्रश्न दिया है हमें ना आए जी। तो हमें बड़ा मारते थे वो फीमेल टीचर जी। तो एक बार क्या हुआ कि हमारी टीचर ने मेरे को वर्क दिया हुआ था किसी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना था जी, जी। तो मुझसे हुआ नहीं कुछ जी। उन्होंने हमें तार से मारा था मुझे याद है कि बिजली की तार होती थी उससे मारा था, मतलब इतना नहीं मारा था, प्यार से ऐसे। तो आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने स्टूडेंट को अलग मेथड से ट्रीट करें और अपने बच्चों को अलग मेथड से? देखिए जब हम स्कूल में पहुंच जाते हैं, जब हम अपने कार्य में हो जाते हैं कि हमारा जो कार्यभार है तो उसको हमें बखूबी निभाना है, क्योंकि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हमने अपना अपना रोल अगर निभाना है तो उसको अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। अगर हम मदर के रूप में हैं, अगर हम सिस्टर के रूप में हैं, अगर हम टीचर के रूप में हैं, तो सिर्फ टीचर बनकर नहीं माँ का भी दिल हमें रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं बेशक वो दूसरी माताओं के बच्चे हैं, लेकिन हमारे जैसे बच्चों के जैसे बच्चे हैं। अगर हम उनको अपने बच्चे समझ कर पढ़ाएं तो वो जरूर पढ़ेंगे, उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे चली जाती हूँ तो छुट्टी के बाद जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो बच्चों की जो एक झुंड है ना वो उमड़ के आती है मेरे पास और मेरे गले लगती है कि मैम आप इतने दिन कहाँ थे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जब हम दूसरी क्लास में चले गए हैं तो क्या आप हमें नहीं पढ़ाओगे, अनेकों सवाल होते हैं उन बच्चों के मेरे पास। तो मैं कहती हूँ कि अगर टीचर हूँ मैं तो मैं अपने बच्चों को की तरह ही उनको समझती हूँ, उसके लिए फिर मैं एक माँ की तरह ही पेश आती हूँ, उनको प्यार से समझाती हूँ, नहीं पढ़ने के नुकसान बताती हूँ
उनको अपने साथ बैठ के मैं एक कंडक्टिविटी अपने साथ जोड़ती हूँ कि देखिए ऐसे है कि नहीं पढ़ने के क्या नुकसान होते हैं, फिर भी नहीं माने तो फिर मैंने बच्चों के घरों में फ़ोन करना है कि देखिए आपके बच्चे की ये अभी सिचुएशन है, जब ये परिस्थिति है, जब ये कंडीशन है, तो आप आके मेरे साथ मिलिए, हम बात करेंगे। बच्चे की यहाँ कोई दिक्कत आ रही है तभी बच्चा करता है, बच्चा कभी ऐसे नहीं करता। और इसी तरह एक टीचर के साथ साथ माँ का रोल भी जो है प्ले हो जाता है। आपकी ये सारी बातें सुनकर मेरे को एक बात याद आ गई कि आफ्टर माय मदर मेरे को बनाया है जिसने, वो एक टीचर ही है जी। मेरी लाइफ में उसके अलग महत्व है जी। बबीता मैम ये आप ही के लिए है जी। आप जैसा ना कोई था ना कोई होगा, ये मेरी बहन जैसी है जी। सिक्स्थ में इनकी एंट्री हुई थी हमारे स्कूल में जी। सिक्स्थ तक मैं इतना शरारती, इतना बड़बोला आज भी हूँ लेकिन उसने मेरे को सिखाया कि बड़बोला कैसे अच्छे से बन सकती जी। तो इतना बदतमीज, बच्चों को मारने वाला जी। मैं मतलब कि बैड हैबिट्स में पूरा इंक्लूड था उस टाइम। ये आते हैं सिक्स्थ में और इन्होंने जिस तरीके से मुझे बनाया है जी। मैं कह नहीं सकता कि कोई मेरे को बना सकता था। मैं भी उनकी बातें मानने लगा, समझने लगा कि वो मेरे फायदे की बातें हैं जी। आज वो खुद मदर है जी। रिसेंटली कोई 30 डेज पहले ही, एक मंथ पहले ही उन्होंने सेकंड बेबी को बर्थ दिया जी। तो हैप्पी मदर्स डे, एंड आप मेरी लाइफ में मेरी मदर के बाद हो जी। अगर मैं किसी को भी मानता हूँ तो आपको मानता हूँ। सो मैम इतनी सारी बातें हुई, इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई, तो आप एक मदर हैं, आप अपनी तरफ से दूसरी मदर्स को और उनके बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो खुश रहें अपनी लाइफ में? देखिए सभी माताओं को मैं अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं दे सकती, क्योंकि हर माँ अपने में परिपूर्ण होती है। किसी माँ में कोई कमी नहीं होती, ना ही वो कोई कमी रखती है अपने बच्चे के लिए। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, जैसे एक माँ है, उसका एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, तो उस छोटे बच्चे की देखरेख में वो बड़े बच्चे जो होता है वो इग्नोर होने लगता है। तो उस स्थिति में बड़ा बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है और माँ का स्वभाव भी जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में माँ को धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पल हैं बच्चे की बचपन से लेकर जवानी तक की जो मूवमेंट्स हैं, ये ऐसी मूवमेंट्स हैं कि बच्चा इनको ही यादगार समेट के अपने दिल में जो है वो एक कोने में रख लेता है। उस कोने में वो उसकी यादगार ऐसी बन जाती है कि उसको वो बातें, वो यादें सारी उम्र उसके साथ चलती हैं। तो इन पलों को माँ ऐसा सुंदर बनाए, बजाय बच्चे को मारने पीटने के या डांटने के, एक धैर्य से, एक पेशेंस से काम ले, या अपने घर की जो दिनचर्या है उसको बांट ले कि छोटे बच्चे को कितना टाइम देना है, बड़े बच्चे को कितना टाइम देना है, और दोनों को समय समय पर टाइम देकर वो अपने घर गृहस्थी को सुंदर और बहुत उत्तम, कहते हैं ना जिसको, उत्तम, एक उत्तम उपवन बना सकती है। यही मेरा छोटा सा मैसेज है। सो इस एपिसोड को यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैम जो है बहुत बड़े पोइट हैं, बहुत अच्छे पोइट हैं, तो इनकी लेखनी जरूर सुनना चाहूंगा मैं। आप, मैं आपको एक डोगरी में कविता सुनाऊंगी, वो भी मैंने माँ पे लिखी है। वो कोई दूसरी या तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए है। तो डोगरी दी कविता दे बोल इयां ने कि बुढ़ी हुए जहाँ जवान, बुढ़ी हुए जा जवान, गरीब हुए जा धनवान, सबे बच्चे करियो मड़ियो माओ अपनी दा मान, माओ अपनी दा मान। इरख लड़ांदी लाड़ लड़ांदी, इरख लड़ांदी लाड़ लड़ांदी, तत्ता सजरा ये खलांदी, इरख लड़ांदी लाड़ लड़ांदी, तत्ता सजरा ये खलांदी, चोरी चोरी बब्बे कशा, कुड़कड़े कुड़कड़े नोट थमांदी, चोरी चोरी बब्बे कशा, कुड़कड़े कुड़कड़े नोट थमांदी, आपू पराने टल्ले च रहिए, आपू पराने टल्ले च रहिए, शैल सनकड़ा न्याणे बनांदी, रखियो इस गल्ला दा ध्यान, रखियो इस गल्ला दा ध्यान, सबे बच्चे करियो आड़े हो माओ अपनी दा मान, माओ अपनी दा मान। ते
गुस्सा रुस्सा ये नहीं कर दी, गुस्सा रुस्सा ये नहीं कर दी, दिली दियां गल्लां ये पढ़ दी, गुस्सा रुस्सा ये नहीं कर दी, दिली दियां गल्लां ये पढ़ दी, साढ़े तरारे ये चल दी, साढ़े तरारे ये चल दी, ते एदे कशा कोई नहीं बड़ा, एदे कशा नहीं कोई मान, एदे कशा नहीं कोई बड़ा, एदे कशा नहीं कोई मान, सबे बच्चे करियो आड़ियो माओ अपनी दा मान, माओ अपनी दा मान। क्या बात, क्या बात। आप सबको लास्ट में एक बात जरूर बोलूंगा, अगर इस वीडियो को पूरा देखा है, अपनी मदर को एक दिन जरूर डेडिकेट करो। वो कभी आपसे कुछ मांगेगी नहीं, कभी नहीं मांगती, बस आपको लाइफ में सक्सेस होना देखना चाहती है। आप सक्सेस हो जाओ। मेरी बात को अगर आप मानते हो तो एक बात मेरी जरूर मानना, अपनी मदर को एक दिन डेडिकेट जरूर करना। उस दिन उससे कुछ मत करवाओ, क्योंकि वो मांगती नहीं, लेकिन प्यार उसे भी चाहिए यार, प्यार उसे भी चाहिए। तो एक दिन उसको डेडिकेट करो, पूरा दिन उससे कुछ मत करवाओ, बस उसकी सेवा करो, उससे लाड करो, उसको प्यार करो। वो इतना खुश हो जाएगी, आपको जिंदगी भर वो दिन शायद आपको भूल जाए, लेकिन उसको नहीं भूलेगा। तो इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। हैप्पी मदर्स डे आप सबको, आप सबकी मदर्स को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम, आपने टाइम दिया। आपका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया, और साथ में दर्शकों का भी शुभकामनाएं आज के मदर्स डे पर, अनेकों अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद।